Hallo Freunde, willkommen in Home Language Studio, German Language House. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के सामने वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके हमारी वीडियोस के। यमांडन फोरस्टेलन टू इंट्रोड्यूस समबडी, यमांडन फोरस्टेलन टू इंट्रोड्यूस समबडी, किसी का परिचय करवाना। तो जिसका परिचय करवाया जाता है वो होता है अकुजेटिव। Jemanden vorstellen, to introduce somebody. For example, ich möchte jemanden vorstellen. I would like to introduce someone. Ich möchte jemanden vorstellen. I would like to introduce someone. मैं किसी का परिचय करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जिसका परिचय करवाया जा रहा है वो अकुजेटिव आया, jemanden vorstellen. Ich möchte jemanden vorstellen. I would like to introduce someone. एक और एग्जांपल लेते हैं। stellt seinen Freund vor. stellt seinen Freund vor. He is introducing his friend. वह अपने दोस्त का परिचय करवा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे vorstellen separable verb है, इसलिए स्टेलन यहाँ पे सेकंड वर्ब पे सेकंड पोजीशन पे कॉन्जुगेट हो गई। और जो फोर है, जो वर्ब का जो फोर पार्ट शुरू का वी ओ आर, जिसको अपन फोर बोलेंगे जर्मन भाषा में, जो बच गया वो लास्ट में चला गया। तो फोर स्टेलन वर्ब सेपरेबल वर्ब है। सेपरेबल वर्ब के बारे में आपको अलग से और बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि जो सेपरेट पार्ट होता है वो अलग से लास्ट में चला जाता है सेंटेंस के। तो स्टेल्ट जाइनन फ्रॉइंट फोर, जाइनन फ्रॉइंट अकुजेटिव है, जिसका परिचय करवाया जा रहा है वो अकुजेटिव। ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त का परिचय करवा रहा है। स्टेल्ट जाइनन फ्रॉइंट फोर। एक होता है यमांडन, यमांडन फोरस्टेलन टू इंट्रोड्यूस समबड़ी टू समबड़ी, किसी का किसी से परिचय करवाना। यमांडन यमांडम फोरस्टेलन टू इंट्रोड्यूस समबड़ी टू somebody, किसी का किसी से परिचय करवाना। तो जिसका परिचय करवाया जाता है वो अकुजेटिव होता है और जिससे परिचय करवाया जाता है वो डाटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा बोलता हूँ, जिसका परिचय करवाया जाता है वो अकुजेटिव होता है और जिससे परिचय करवाया जाता है वो डाटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल इश मास्टर डियर माइनन फ्रेंड फोरस्टेलन, I would like to introduce my friend to you. मैं तुमसे मेरे दोस्त का परिचय करवाना चाहता हूँ। Ich möchte dir meinen Freund vorstellen. तो परिचय किसका करवाया जा रहा है? दोस्त का, मेरे दोस्त का, my friend. तो यहाँ पे meinen Freund masculine है तो meinen लग गया accusative, masculine accusative. और किससे करवाया जा रहा है? तुमसे, you. तो you, डू, डिश, डियर तीन होते हैं जर्मन में, डिश अकुजेटिव और डियर डाटिव, तो यहाँ पे डियर लगा। तो इश मैस्ट डियर माइनन फ्रेंड फॉरस्टेलर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड टू यू। तो जिससे परिचय करवाया जाता है वो डाटिव और जिसका परिचय करवाया जाता है वो अकुजेटिव। इश मैस्ट डियर माइनन फ्रेंड फॉरस्टेलर। अनदर एग्जाम्पल स्टेल्ट मियर Seinen Freund vor. He is introducing his friend to me. Stellt mir seinen Freund vor. He is introducing his friend to me. वह अपने दोस्त का परिचय मेरे से करवा रहा है। तो यहाँ पे परिचय किसका हो रहा है? उसके दोस्त का। तो seinen Freund accusative किससे हो रहा है? मुझसे। तो ich, mich, mir. Mir होता है dative, तो यहाँ पे मियर लगा। तो स्टेल्ट मियर जाइनन फ्रेंड फोर, ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिज फ्रेंड टू मी, वह अपने दोस्त का परिचय मुझसे करवा रहा है। तो जिसका परिचय करवाया गया वो अकुजेटिव
और जिसने परिचय करवाया गया वो डांटे। एक होता है जिश फोर स्टेलम, टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ, स्वयं का परिचय देना। फॉर एग्जाम्पल बिटर स्टेलन जी जिश फोर, बिटर स्टेलन जी जिश फोर, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कृपया अपना परिचय देवें। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन आप काफ़ी जगह सुनते होंगे, जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो मोस्टली ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप अपना परिचय दें। और जर्मन भाषा में इंटरव्यू तो वो बोलते हैं कि बिटर स्टेलन जी जिश फोर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो यहाँ पे जिश फॉर स्टेलन वर्ब है, जिन भी वर्ब्स के साथ में जिश यूज़ होता है उन्हें रिफ्लेक्सिव वर्ब बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन भी वर्ब्स के साथ में जिश यूज़ होता है उन्हें रिफ्लेक्सिव वर्ब बोलते हैं, और रिफ्लेक्सिव वर्ब सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। तो जिश फॉर स्टेलन एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, इसीलिए स्टेलन के बाद में जिश वापस से यूज़ होता है। तो जब वो वर्ब यूज़ होती है तो उसके जस्ट बाद में वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूज होता है। तो जिश यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था तो वो यहाँ पे यूज हुआ। तो बिटर स्टेलन जी जिश फोर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कृपया अपना परिचय देवें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप चाहें तो हमें मेल आईडी पे मेल या व्हाट्सएप पे मैसेज लिख सकते हैं। धन्यवाद।